जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। उम्मीद आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सब ने होली अच्छे से मना लिया होगा, रंग खेल लिया, गुजिया खा लिया, मिठाई उठाई खा लिया, ठीक है। सो एक बार आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। दोस्तों अभी मैं होली की छुट्टी में घर आया था, तो अभी घर बैठा हूँ और घर पर ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या, आप सबको मुबारकबाद देना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक साथ दो दो खुशी। एक तो होली का सेलिब्रेशंस और दूसरी आपकी स्कॉलरशिप आ गई। स्कॉलरशिप की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहले किस छात्रवृत्ति की आप सभी की आ गई है। हाँ, कुछ बच्चों की नहीं आई है तो वो सेकेंड शिफ्ट में आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, लेकिन फर्स्ट किस्त तो आपकी आ चुकी है, यूपी स्कॉलरशिप। तो बात कर लेते हैं कितनी स्कॉलरशिप आई, वो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन जो सूचना मिल रही है एज़ यूजुअल, देखिए पिछले साल भी जो बीएड की स्कॉलरशिप है उसमें 30,000 रुपये फर्स्ट ईयर में आपके रिटर्न होते हैं, इसमें जल्दी सेकेंड ईयर में भी 30,000 रुपये आपके रिटर्न होते हैं। इसके अलावा 3 से 5 हज़ार, मतलब 30,000 के बाद किसी को 3,000, किसी को 3600, किसी को 3500, किसी को 4800 अप्रोक्स दोस्तों, मतलब 33,000 से ज़्यादा और 40,000 से कम, इतने के बीच में सबकी स्कॉलरशिप आई है बीएड की। जहाँ तक बात करें एमएड वालों को, तो एमएड वालों की स्कॉलरशिप इतनी मिली ना, मुझे वो शेर याद आ रहा है कि स्कॉलरशिप इतनी ना दीजिए कि भीख लगे बाकी जो आपको ठीक लगे। एमएड वालों की फ़ीस होती है 60,000, 50,000, 40,000 रुपये, उनकी स्कॉलरशिप कितनी आई है, 9,000 रुपये, 9,000 से भी कम, 8,670 रुपये, 8,500 कुछ रुपये, 8,700, मतलब 9,000 से कम स्कॉलरशिप आई है एमएड वालों की। तो ये वास्तविकता है, ये हकीकत है। बाकी बहरहाल जो भी हो, जितनी भी स्कॉलरशिप आ गई, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद। फीस जमा कर सकते हैं आप नेक्स्ट ईयर की, या फिर किसी ने पिछले ईयर कहीं से लेकर जमा किया था तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। आइए ज़रा देखते हैं, मेरे पास कुछ स्टेटस है, बच्चों ने जब स्कॉलरशिप आई तो मुझे भेजा था, ज़रा देखते हैं कि कितनी स्कॉलरशिप किनकी आई है और आपकी भी लगभग कितनी आई होगी। जैसे अभी आप इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप आप देखेंगे 36,360 रुपये इनको मिले हैं, ठीक है। तो 36,360 रुपये इनको मिले हैं, ये आज ही के डेट में आया था 25 तारीख को, यानी कि होली के दिन आया था। सिमिलरली 36,500 रुपये इनके आए हैं, 36,360, मतलब 140 रुपये इनको ज़्यादा मिल गए। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या करेंगे अब इतने भारी भरकम रकम के साथ। चलिए, तो इनके 36,500 आए हैं, इनकी स्कॉलरशिप 36,360 रुपये आई है, इनकी स्कॉलरशिप 36,360 रुपये आई है। तो ये लोग, ये दोबारा रिपीट हो गया, चलिए, तो ये वो लोग हैं जिनकी इतनी स्कॉलरशिप आई है इस पर बीएड में। सिमिलरली एमएड की बात करते हो, एमएड का यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं है, लेकिन एमएड का भी 9,000 से कम स्कॉलरशिप आया है। तो आई होप, आई विश कि आप सबकी स्कॉलरशिप आ गई। अच्छा चलिए, एक सवाल आता है कि क्या सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगी, तो वेरी क्लियर नहीं आएगी। जिनकी 36,000 रुपये स्कॉलरशिप आ गई है उनकी कोई अब इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी, उम्मीद रखना बेकार है भाई। ठीक है ना, एक बार तो स्कॉलरशिप आ गई यार, कुछ तो रहम करो उन बच्चों पे जिनको नहीं आई है, तो अब नहीं आएगी सेकेंड इंस्टॉलमेंट। हाँ देखिए, कुछ कैटेगरीज वाइज होते हैं, जैसे SC ST एज आई नो, उनकी फुल फीस रिफंड होती है, उनकी फर्स्ट ईयर में 54,000 रुपये और सेकेंड ईयर में तो 30,000 ही आती है, तो उनकी फुल फीस रिफंड आती है। तो अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी आधी आई है, मतलब कम आई है, तो एक आप उम्मीद कर सकते हैं, अगर फंड बचता है तो, अगर बजट बचती है तो आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। लेकिन जनरली नहीं आती है, जिनकी 30,000 आ गई है अब उनकी स्कॉलरशिप नहीं आ जाती है। इतने में आप खुश रहिए, इसको सेव करके रखिए, बचा के रखिए, घूमियों में मत, मोबाइल मत लीजिए, लैपटॉप मत लीजिए, नेक्स्ट आप फीस यहाँ पे दे सकते हैं। तो बस दोस्तों, एक छोटी सी सूचना थी आप सभी को, एक बार फिर से आई विश यू वेरी हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ स्कॉलरशिप मिलने की भी बहुत बहुत बधाई आपको। कमेंट में आप बताइए कि कितने पैसे आपको कैसे मिले हैं, और होली कैसी रही आपकी, रंग वंग कितने लगाए, कैसे लगाए, सब इंजॉय करिए, रंगों का त्यौहार है, खुशियों की त्यौहार होती है। सो आई विश यू वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। बाकी जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, काइंडली वेट, खासतौर पे उन बच्चों का जिनका तो वेरीफाइड दिखा रहा है ना, जिनका वेरीफाइड दिखा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, आपकी तो आनी ही आनी है, आज नहीं तो कल आनी है, लेकिन आनी ज़रूर है, ठीक है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, खुश रहिए, इंजॉय करिए, होली मिलन जारी है, लोगों से मिलते रहिए, गिले शिकवे को दूर करिए, खासतौर पर एक बार उन दोस्तों को कॉल कर लेना जो आपके कॉलेज में साथ पढ़ते थे, उसके बाद किसी छोटी सी बात से पता नहीं ना लड़ाई हुआ ना झगड़ा हुआ और एक दूसरे से अलग हो गया, बात ही नहीं होती, एक बार उनको कॉल जरूर करना, बात जरूर करना और बोलना कि आप उन्हें मिस करते हो, फिर से दोस्ती अपनी शुरू करो, फिर उनसे बातें शुरू करो, फिर से इस होली पे गले मिलो, दिल मिलाओ और बातें शुरू करो। चलो, आई विश यू वेरी हैप्पी होली, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, फॉर स्टडी, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कमेंट में राय पढ़ते की राय जरूर दें, नए जुड़े चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए, अपने दोस्तों तक शेयर करें, उन्हें भी जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।